पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र स्थित पाटलिपुत्र अटल पार्क में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी के अलावे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमें मानते थे, हम उनके साथ उनके नेतृत्व में भी काम किए हैं। हम जो भी काम उनके नेतृत्व में करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी हमें पूरा समर्थन भी देते थे। उनके नेतृत्व में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए, इसलिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमें सबसे ज्यादा मानते भी थे। वहीं भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा दावा किया जा रहा है कि जदयू का विलय बहुत जल्द राजद में हो जाएगा। इस सवाल को लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी खबरों में बने रहने के लिए अंडबंड बोलते रहते हैं, कौन क्या बोलता है हम उस पर विशेष ध्यान भी नहीं देते हैं। अब सुशील कुमार मोदी इस तरह की बात बोलकर अपनी पार्टी में स्थान पाने के लिए बयान देते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मौजूदा सरकार में बिहार में कितना काम हो रहा है यह सभी को पता है। बड़े स्तर पर सरकारी विभागों में बहाली हो रही है, साथ ही बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। माइक नीचे कीजिए ना आप लोग सर। अरे पीटीआई नीचे रखिए। जाता रहा है जब हम एमपी रहे तब से, जब उनकी सरकार बनी 2 साल हम उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मांगते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति तो कहिए कि प्रेम था। अरे अभी भैया थोड़ा पीछे कीजिए ना आप, और उनके नदीम भैया, अरे आप ही कहा चुप चुप चुप, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना। जब तक और इतना ज्यादा उनका था, और जान लीजिए कि जब जितना दिन भी रहे प्रधानमंत्री, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। चुप चुप चुप, तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही, हम तो उनके प्रति आदर का भाव है, इससे तो हमारे। क्या उनकी विचारधारा को आज माना जा रहा है, आज के मौजूदा हालात में अटल जी का जो आइडियोलॉजी था उसको क्या मान रहे हैं? और क्या बात करते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, उनका तो इतना अच्छा काम था, कितना बढ़िया काम किया बोलिए। और कौन कौन चीज नहीं, जो चीज भी हम करते थे, कभी भी मीटिंग होती थी, तुरंत उसको स्वीकार करते थे। और कितना ज्यादा काम हुआ हर क्षेत्र में जो हमको उन्होंने दिया, तो हर एक जगह हम काम किए हैं। सब तो बात है, आप लोगों को मालूम है, तो इसीलिए इनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव, तो हमारा तो उनके प्रति जो है, इनके प्रति बहुत आ रहा है। क्या कर रहे हो कुणाल? कैमरे पर पैसा छोड़ दो ना, बाकी जो करना है के? सुशील मोदी कह रहे हैं कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आज कल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, अरे नदीम भैया 10 लाख हम बहाल करेंगे, बोलिए आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से जल्दी हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तक कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न जी, अगर जरा भी बालिएगा, जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, बंद करो इसे, छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे। जब
देश ठीक हो जाएगा तब फिर आपको अधिकार रहेगा। सर इंडिया गठबंधन की बैठक में ऐसी कोई चर्चा हुई हो? जान लो, हम जो बता रहे हैं पुराना, इसमें कई लोग हैं जो जानता है, हम सब लोगों का राय है। कितना ज्यादा हमको सब प्रेम करता था, मानता था, बोलिए, पार्लियामेंट में थे, जरा देखिए पुरनका सब, जब हाउस में हम बोलते थे कितना ज्यादा बोलता था, यहाँ विधानसभा में भी आप जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रेस का कितना अच्छा एटीट्यूड रहा शुरू से लेके अब बात तक। लेकिन अभी लापनों पर जो दूसरे तरह का हो गया है, तभी जो करिए, हम अपनों पर कोई किसी तरह से नहीं है। लेकिन अब आपसे, आपके तरफ से कुछ बुलवाया जाता है तो ये गड़बड़ है, तो वो है, तो ये हो रहा है, तो इसलिए हम आजकल नहीं कुछ बोल रहे। हमारा बात सुन लीजिए, आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिए? समय पे होगा ना सर, आप नाराज हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या बैठक के बाद? आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वेनर इंडिया? चुप चुप चुप। अरे आप तुम बता दे, ये सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा, तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी, और सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज, एक बात गलत नहीं भाई, गलत हम जरा भी नाराज नहीं। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है, आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस। और कुछ दया निधि महाराज ने बिहार के लोगों का अपमानित किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।